So we are moving on to the next session of today's lecture, that is the basis of classification. Okay, basis of classification. एनिमल किंगडम को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टर्स. ओके, हम यहां पे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, हम यहाँ पे कुछ फीचर्स देखेंगे. तो सबसे पहला जो फीचर है जो जहन में आता है वो क्या है? दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ अब अगर हम लेवल का बात करते हैं, मींस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगा. जैसे कुछ होता है सेलुलर, कुछ होता है टिश्यू, कुछ होता है ऑर्गेन. तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा सिंपल ऑर्गेनिज्म और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. तो जो सिंपल होगा उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीचे वाला, ठीक है, मींस लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे के मेंबर्स क्या है, मल्टीसेलुलर ही होंगे एनिमेलिया के. ठीक है, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न. ठीक है, सभी के सभी सेम पैटर्न एग्जिबिट नहीं करते. बच्चों तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, दैट इज कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेंबर्स जो है एनिमेलिया का, ठीक है, एनिमल किंगडम का, ये सारे मल्टीसेलुलर है. ठीक है, बट सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है इस किंगडम में वो एक तरह का पैटर्न शो नहीं करते. ठीक है, सेम पैटर्न शो नहीं करते लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ वी नो दैट, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ होंगे सेलुलर, कुछ सेल से बनेंगे. सेल्स टिश्यू नहीं बना रहा है तो सेलुलर हो गया. कुछ टिश्यू है और कुछ ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम. ओके, नाउ तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल. ठीक है, तो सेल से जो बन रहा है, जिसमें सेल है, सेल आर लूजली अरेंज. मैं पहले भी बोला था, ठीक है, बॉडी विल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स बट द सेल विल नॉट फॉर्म टिश्यू. ओके, तो इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें सिर्फ सेल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेलुलर लेवल. ओके, सच लेवल इज कॉल्ड एज सेलुलर. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब दूसरा जो होता है, अब हम जानते हैं सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है. तो जिसमें टिश्यू होगा उसको टिश्यू लेवल कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द टिश्यू विल फॉर्म ऑर्गेन. ओके, अब इस ऑर्गेन में आपको दो टाइप मिल जाएंगे, एक में सिर्फ ऑर्गेन लेवल, एक मिल गया ऑर्गेन लेवल, और दूसरा मिलेगा ऑर्गेन सिस्टम, जिसमें सिस्टम बन रहा है. ठीक है, ऑर्गेन मिलके सिस्टम बना रहा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल. ओके, ऑर्गेन सिस्टम. ओके, सो ये सारा हमारा एनसीईआरटी के ऊपर है बच्चों. ठीक है, सो घबराइएगा मत, आराम से पढ़िए, इजी है एकदम, किसी भी बात का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते हैं टॉपिक को. नाउ तो सेलुलर लेवल, जैसे मैं पहले भी आपको बताया, तो इसमें सबसे पहला नाम आपको आ रहा होगा पोरीफेरा. मैं पहले आपको बोल चुका हूँ पोरीफेरा के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, दैट द बॉडी विल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ओके, बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. यहाँ पे सेल्स होंगे बट द सेल्स विल बी लूजली पैक्ड. ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप दिखेंगे आपको, एक मिलेगा सेल एग्रीगेट और दूसरा मिलेगा सेलुलर कॉलोनी. ठीक है, सेल एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब एक साथ रहेंगे, एग्रीगेट, और दूसरा कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाएंगे, सेलुलर कॉलोनी, सेलुलर कॉलोनी. ओके, सो द सेल एग्रीगेट, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा बच्चों वो है पोरीफेरा, दैट इज स्पॉन्ज. हियर द सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहां जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं पोरीफेरा का,
यहाँ पे सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज इसको गांठ बांध के आप लोग याद रखिएगा, हियर द सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, एंड सेलुलर कॉलोनी में क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा और सम एल्गी, ठीक है। ये मैं ऐसे एग्जांपल आप लोग को बता दे रहा हूँ, हियर द एग्जांपल विल बी प्रोटिस्टा, और आपको पता है प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम है, ठीक है, प्रोटिस्टा एंड सम एल्गी, ओके। कुछ एल्गी तो प्लांट किंगडम में भी आता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में, ठीक है। नाउ तो ये देखिए, मैंने एक और किंगडम यहाँ पे लिखा प्रोटिस्टा, जिसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और ये एल्गी के बारे में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एंड ऑल्सो इन किंगडम। वन सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि जो सेल एग्रीगेट और सेल कॉलोनी, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब मैंने क्या कहा, यहाँ पे सेल के बीच में इंटरेक्शन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, ओके। नाउ द टिश्यू वन, टिश्यू, तो टिश्यू से जो बन रहा है वहां पे टिश्यू टिश्यू लेवल है, ठीक है, टिश्यू ऑर्गेन नहीं फॉर्म कर रहा है, ओके। हियर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विल फॉर्म टिश्यू विच सर्व्स द स्पेसिफिक फंक्शन, ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन के लिए टिश्यू बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Here we can write the group of similar cells will form tissue for a specific function. ठीक है, तो टिश्यू का जो फॉर्मेशन हो रहा है किसके लिए हो रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, ओके, टिश्यू इज फॉर्मिंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके। और यहां पे जो एग्जाम्पल आ जाएगा आप लोग को भली भांति पता है, दैट इज सिलेंट्रेटा, ओके। नाउ द ऑर्गेन, ऑर्गेन लेवल और ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। अब टिश्यू जो होगा क्या बनाएगा, ऑर्गेन बनाएगा, ठीक है। सम टिश्यू विल ज्वाइन एंड फंक्शन एज ए यूनिट, यहां पे क्या होगा, टिश्यू ज्वाइन होगा, सम टिश्यू ज्वाइन एंड फंक्शन एज अ यूनिट, ठीक है, और इसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑर्गेन बन रहा है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेन जो है वो सिस्टम की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक सिस्टम में नहीं काम कर रहा है, ओके, सिर्फ ऑर्गेन है वो अकेला काम कर रहा है। नाउ हियर द एग्जाम्पल विल बी प्लैटी हेलमिंथिस, यहाँ पे प्लैटी हेलमिंथिस आ गया। Now the organ system. अब बचा हुआ जितना भी है फाइलम वो सारे किसमें आ जाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम में। तो यहाँ ऑर्गेन सिस्टम में हम क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टूगेदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन का मैंने बात नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे अकेला ऑर्गेन काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गेन जो है वो ग्रुप में काम करेगा, ठीक है, टूगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ ऑर्गेन सिस्टम। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड ऑल, ओके। तो यहाँ पे सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गेन सिस्टम में मैंने कहा जो बचा कुचा जितना भी है सब इसमें आ जाएगा। एग्जांपल हो जाएगा निमेथेलमिंथिस, दैट इज नीमाटोडा, Nemethelminthes to chordate, that is the higher one. Chordata तक इसमें आ गया, okay. So this is the level of organization, ठीक है, on the basis of classification of organism is that is the animals is done, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा पहला है, ठीक है, पहला बेसिस है, ठीक है। पहला क्या बोला मैंने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेन लेवल का बात करें, ऑर्गेन सिस्टम लेवल का बात करें। तो सेलुलर लेवल मैंने क्या कहा कि बॉडी जो होगा वहां पे मल्टी सेल होगा, मतलब सेल बहुत होंगे, ठीक है, बट दे विल नॉट फॉर्म द टिश्यू। यहाँ मैं आपको दो टाइप्स दिखाया, एक सेल एग्रीगेट और एक सेलुलर कॉलोनी। तो सेल एग्रीगेट में एग्जाम्पल क्या दिया मैंने बच्चों, पोरिफेरा का, और सेलुलर कॉलोनी में क्या बोला, प्रोटिस्टा एंड सम एल्गी के बारे में, ठीक है। वो एग्जाम्पल आप लोग पढ़ोगे अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। नाउ
हाँ पोरी फिर हम आपको इस चैप्टर में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ओवर हो जाएगा उसके बाद हम एक एक फाइलम को डिस्कस करेंगे। नाउ टिश्यू लेवल, टिश्यू में क्या होगा, सेल जो है वो टिश्यू बनाएगा, ठीक है। टिश्यू का एग्जांपल क्या होगा, टिश्यू लेवल का सिलेंट्रेटा हो गया। ऑर्गेन में हम दो टाइप दिखा रहे हैं, ऑर्गेन लेवल एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल। एक जो ऑर्गेन की तरह काम कर रहा है, सिंगल ऑर्गेन काम कर रहा है, वो सिस्टम नहीं बना रहा है, एग्जाम्पल क्या, प्लेटियल मिन्थिस। और एक ऑर्गेन जो है, ऑर्गेन सिस्टम, जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेन जो है मिलकर काम कर रहे, ठीक है, सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। ओके, दैट विल बी फ्रॉम मीमेथल मिन्थिस टू कॉर्ड डेटा। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक, ओके, टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी पढ़ाया उसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा थोड़ा। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि सेल, सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गेन। ओके, सेल टिश्यू ऑर्गेन। तो सेल क्या हुआ, वन टिश्यू हो गया, टू और ऑर्गेन जो हो गया, रेस्ट ऑफ देम विल कम अंडर ऑर्गेन, ठीक है, रेस्ट। तो ये जो मैं नंबर दे रहा है वो क्या है, ये फाइलम का नंबर है, ठीक है, मतलब कितने फाइलम्स होंगे सेलुलर में, कितने फाइलम्स होंगे टिश्यूज में, और जितने बच गए वो चले जाएंगे। तो सेलुलर में मैंने पहले ही आप लोग को बताया था, देयर विल बी ओनली वन फाइलम, यहाँ पे सिर्फ एक फाइलम होगा सेलुलर लेवल में। ओके, सेलुलर लेवल देयर विल बी ओनली वन फाइलम एंड दैट फाइलम इज द सबसे पहला फाइलम, याद है आप लोग को, क्या कहते हैं उसे, पोरी, वेरी गुड, पोरी, नॉट सिलेंट्रेटा, इट इज पोरीफेरा, यस, द पोर बियरिंग एनिमल्स, द पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड इज पोरीफेरा, बच्चो, ठीक है, एकदम याद हो जाना चाहिए। सेलुलर लेवल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप लोग कोई भी बुक देख लीजिए। नाउ अब यहाँ पे देखिए, टिश्यू लेवल बोल रहा है, टिश्यू लेवल मैंने कितने नंबर दिए, देखिए दो, ठीक है, सेल को पहला दिया, टिश्यू को दो दिया, मतलब यहाँ पे कितने फाइलम होंगे बच्चों, बच्चों कितने फाइलम, दो होंगे, ठीक है, हाँ, तो पहला तो आप लोग ने अभी अभी बता दिया था, ठीक है, यहाँ पे दो फाइलम का हम नाम लिख देंगे ये टिश्यू लेवल में। ओके, पहला हो जाएगा सिलेंट्रेटा और दूसरा हो जाएगा टीनोफोरा। ओके, ये टीनोफोरा हो गया, तो यहाँ पे दो फाइलम मिल गया, और जितना बच गया है, ठीक है, वो सब आ जाएंगे ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम में। तो एज पर योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेन लेवल किसमें है बच्चों, अभी मैंने बताया है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ऑर्गेन लेवल किसमें है, ऑर्गेन लेवल वेरी गुड, प्लेटीहेल्मिंथेस, और जो रेस्ट हो गया उसमें क्या होगा, ऑर्गेन सिस्टम, यस, तो उसमें होगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल। और वहां पे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ उसमें कौन कौन से फाइलम हो जाएंगे, यस, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा एक एक फाइलम का नाम, ठीक है, आप लोग को मैंने जितना फाइलम बोला है ये सब याद हो जाना चाहिए, फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रुप, ठीक है। नीमेथल मिन्थिस के बाद बताइए कौन सा फाइलम आएगा, एनिलीडा, ओके, एनिलीडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलास्का, मोलास्का के बाद आ जाता है इकिनोडर्माटा, इकिनोडर्माटा, इकिनोडर्माटा के बाद आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा, बीच का, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का बीच का लिंक, हेमिकॉर्डेटा। ओके, एक एक फाइलम को डीपली पढ़ना है यहाँ पे, कॉर्डेटा, ओके, एंड फाइनली द लास्ट वन यूरोकॉर्डेटा, विच विल शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यूरोकॉर्डेटा। बच्चों याद रखिएगा, ये सारा फाइलम देखिए, पोरीफेरा से लेकर के पूरा यूरोकॉर्डेटा तक आपको पढ़ना है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आप लोग को सबका ये नाम याद हो जाना चाहिए। टोटल कितने फाइलम हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुआ ना कि 13 हुआ, देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फाइलम। ओके, अंडरस्टूड, ये पूरा नाम आप लोग को याद हो जाना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, सेलुलर, सेलुलर मतलब सेल पहला आ रहा है ना,
सेल पहले लेवल पे है, पहले लेवल पे कितना फाइलम हुआ इसमें, तो वन फाइलम होगा जो सेलुलर लेवल है। उसके बाद जो टिश्यू लेवल में ये दूसरे नंबर पे आ रहा है टिश्यू, तो इसमें दो फाइलम हुए और बचे हुए जितने हैं वो ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम में। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने पढ़ा है कि प्लेटिहेलमिंथिस जो है वो ऑर्गेन लेवल में है और बाकी जितने बच गए निमेथेलमिंथिस से लेकर के यूरोकॉर्डेटा तक वो किस में आ जाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम में। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर।